आगरा में दबंगों का बोलबाला, पत्रकार को दौड़ाकर पीटा, हौसले बुलंद। पत्रकार को जान से मारने की नियत से बोला हमला, लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, चैनल की आईडी कैमरा छीना, स्कूटी को किया क्षतिग्रस्त, पत्रकार ने भागकर बचाई जान, पत्रकार गंभीर रूप से घायल। आधार कार्ड बनाने के नाम पर गांव में दबंग कर रहे थे अवैध वसूली, कवरेज के दौरान पत्रकार पर किया जानलेवा हमला, पुलिस को तत्काल दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस आला अधिकारियों में मचा हड़कंप। आखिरकार किसके संरक्षण में गांव में ग्रामीणों से हो रही थी अवैध वसूली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर एकत्र हुए पत्रकार संगठनों में आक्रोश। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन से चैनल से आप पत्रकार था? अच्छा, आपके साथ क्या घटना हुई, ये क्या वारदात थी? मैं आज थाना इराबत नगर क्षेत्र के टीकापुर गांव में आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, तो वहाँ थोड़ी दिन पर सूचना मिल रही थी कि यहाँ आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। जब मैं वहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचा तो मैंने कवरेज कर ली और मैं जब वहाँ से चल दिया तो एक व्यक्ति आया गांव का, जिसका नाम टीटू बताया जा रहा है। वो मुझसे आया और कहने लगा कि तू कौन है? मैंने कहा भाई मैं पत्रकार हूँ। तो वीडियो क्यों बनाई? मैंने कहा भाई सूचना मिल रही थी, लोग परेशान होते, मैंने वीडियो बनाई, मेरा दायित्व होता है खबर कवरेज करना। मैंने खबर कवरेज की तो वो कहने लगा कि गाली गलौज करने लगा, मुझसे मारपीट भी की और कैमरा भी छीन लिया। और जब मैं मौके से भागा तो मेरी गाड़ी वहीं छूट गई। मुझसे इस तरीके से मारपीट की, पत्थर भी फेंके मेरे पीछे, कि मुझे जान बचाना मुश्किल हो गया। मैं गांव से बाहर भागते हुए आया तो गांव का ही एक व्यक्ति मेरी एक्टिवा को मुझे दे गया। तो कहीं ना कहीं आप पर जानलेवा वार किया गया है? जी बिल्कुल, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। कितने लोगों ने मारपीट की आपके? करीब 4 लोग थे और भी कुछ अज्ञात में हैं जिन्हें पहचान नहीं पाया हूँ, काफ़ी लोग थे। तो किससे मारपीट की? डंडे वगैरह उनके पास? डंडे भी थे और ईंट भी थी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी हाँ, मैं यहाँ थाना इलाहाबाद नगर में आया हूँ और मैंने शिकायत की है। अच्छा, क्या आश्वासन दिया है? अभी जो तैसे तहरीर दी है, सीओ साहब भी यहाँ मौके पर मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और कोई अपराधी पकड़ा गया है क्या? हाँ, अभी पुलिस गई थी, एक दो व्यक्तियों को लेकर भी आई। जहाँ आप गए थे क्या वाकई वहाँ पर पत्रकार के साथ वास्तविक बात बहुत घटना से घटना हुई थी? वह धर्मवीर धर्मवीर उनका पप्पू लड़की ने गोपाल और टीटू और अजयपाल और प्रकाश सन ऑफ हैदराबाद में जिला, उन्होंने बहुत तेजी से उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने कुछ भी न कहने पर वो अपनी गाड़ी लेके चल रहे थे, तो भी फिर उनको पकड़ा, फिर जबरदस्ती बहुत पीटा, फिर उनकी बाइक छूट चुकी थी, वो भाग चुके थे। गांव के लोगों ने उनकी बाइक उनके पास पहुँचाई। किससे मारपीट की है उन्होंने? ये गोपाल ने की है। नहीं, किससे मारपीट की? डंडे थे क्या? था डंडे भी थे, उल्ट भी थी और काफी बहुत तेज से मारपीट की, ईंटों से ज्यादा की, ईंट लेके उनके पीछे भी भागे हैं, वो भाग गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ आधार कार्ड बन रहे थे वो पोस्ट ऑफिस है क्या है? वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस गांव में है, पोस्ट ऑफिस अंदर गांव में है, वो शाखा में, उसमें कोई नहीं काम कर रहा है। इन्होंने तो फर्जी खोल रखा है, ये फर्जी कर रहे हैं। फर्जी कर ये वहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है। जैसे संज्ञान कर्मचारी था, जैसे संज्ञान में आया है कि पैसे लिए जा रहे थे लोगों से। हाँ, पैसे लिए जा रहे थे, 100 से लेकर 500 रुपये तक लिए जा रहे थे। 500 रुपये भी ले जाए, टीटू जो था वो 500 रुपये लेता था और नंबर जल्दी बनवा देता। कब से काम चल रहा है ये? हो गए कम से कम 8-10 दिन। गांव वाले विरोध भी कर रहे हैं, पर वो जमा कोई बात नहीं है। 100 नंबर की 2-3 भी आई है तो वो जमा लेंगे, उससे कुछ बात नहीं।